परिचय। आज की सुबह बहुत अच्छी है। हाँ पिताजी, आज चमकीली धूप का दिन है। तो तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छे आर्यन। पिताजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ बेटा। पिताजी, ये सभी वाहन जैसे कि कारें, ट्रक आदि ईंधन से चलते हैं? हाँ। क्या अंतरिक्ष शटल भी ऐसे ही ईंधन से चलते हैं? मेरे बेटे, उनमें विशेष प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ये विशेष प्रकार का ईंधन कैसा होता है? अंतरिक्ष शटल को ऊपर ले जाने के लिए उनमें बाहरी टैंक में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। क्या तुम इस बारे में और अधिक जानना चाहोगे? हाँ पिताजी। इस पाठ में आप हाइड्रोजन और इसके यौगिकों के बारे में सीखेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को खोजना तथा हाइड्रोजन के समस्थानिकों का वर्णन करना, हाइड्रोजन के विचरण, हाइड्रोजन के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों की व्याख्या करना, हाइड्राइडों का वर्णन करना। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है जिसकी परमाणविक संख्या एक होती है। क्योंकि इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनी विन्यास 1s^1 होता है। हाइड्रोजन के द्वैत व्यवहार के कारण आवर्त सारणी में इसके लिए उचित स्थान खोजना कठिन है, क्योंकि क्षारीय धातुओं तथा हैलोजनों से इसकी समानता होती है। क्षारीय धातुओं की तरह इसके संयोजी कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। हैलोजनों की तरह हाइड्रोजन में भी अक्रिय गैस विन्यास पूर्ण करने से केवल एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। डाइहाइड्रोजन H2 प्राप्ति। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में अति बहुल्य तत्व है। यह ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का लगभग 70% है। बृहस्पति तथा शनि ग्रह अधिकांशतः हाइड्रोजन से बने हैं। सूर्य का आधे से अधिक द्रव्यमान तथा कुछ अन्य तारे भी हाइड्रोजन के बने हैं। संयुक्त रूप में यह पृथ्वी की परपट्टी तथा महासागरों का 15.4% भाग बनाता है। पृथ्वी में इतना गुरुत्वाकर्षण नहीं होता कि यह हल्के हाइड्रोजन अणु को रोक सके, इसलिए यह हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। प्रोटियम, इसकी परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है। इसमें एक प्रोटॉन होता है, लेकिन इसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता और एक इलेक्ट्रॉन इसके 1s कक्षक में होता है। इसे प्रतीक H से निरूपित किया जाता है। इसकी प्रचुरता 99.985% होती है। ड्यूटीरियम, इसकी परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 2 होती है। इसमें एक प्रोटॉन होता है तथा इसके नाभिक में एक न्यूट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके 1s कक्षक में होता है। इसे प्रतीक D से निरूपित किया जाता है। इसकी प्रचुरता 0.0156% होती है। ट्राइटियम, इसके नाभिक में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसके 1s कक्षक में होता है। यह अत्यंत दुर्लभ समस्थानिक है। सामान्य हाइड्रोजन के 10^18 अणुओं में ट्राइटियम का केवल एक अणु होता है। हाइड्रोजन के इस समस्थानिक की प्रकृति रेडियोधर्मी होती है और यह निम्न ऊर्जा वाले बीटा कण उत्सर्जित करता है। इसकी प्रचुरता 10^-15% होती है। डाइहाइड्रोजन H2 का विरचन। डाइहाइड्रोजन का प्रयोगशाला में विरचन। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन सामान्यतः तनु खनिज अम्लों की दानेदार जिंक जैसी धातुओं से अभिक्रिया करते हुए बनाई जाती है। दानेदार जिंक के कुछ टुकड़े वुल्फ की बोतल में रखे जाते हैं, जिसमें एक थिसल फनल
और एक डिलीवरी ट्यूब लगी होती है। थिसल फनल के जरिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। अम्ल जिंक से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करता है, जो पानी के अधोमुखी विस्थापन द्वारा जार में एकत्र कर ली जाती है। सरंध न होने के कारण शुद्ध जिंक का उपयोग नहीं किया जाता और इसलिए कुछ देर बाद अभिक्रिया मंद हो जाती है। इसलिए दानेदार जिंक का उपयोग किया जाता है, जो अशुद्ध होती है और यह अभिक्रिया की दर बढ़ा देती है। डाइहाइड्रोजन का व्यापारिक उत्पादन। जल का विद्युत अपघटन। इसमें अम्लीकृत या क्षारीकृत जल का विद्युत अपघटन किया जाता है। उपकरणों में एक एनोडिक लिंब, कैथोडिक लिंब, अम्लीकृत जल तथा प्लैटिनम की पन्नियां शामिल होते हैं। जल को अम्लीकृत करने के लिए हम तनु H2SO4 का उपयोग करते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जल को विद्युत अपघटनी के रूप में कार्य करने लायक बना देता है। जब एनोड और कैथोड एक बैटरी से जोड़े जाते हैं तो कुछ मिलीएम्पियर की हल्की विद्युत धारा उत्पन्न होती है और वोल्टमीटर की दोनों भुजाओं में बुलबुले दिखने शुरू हो जाते हैं। एनोड वाली भुजा ऑक्सीजन का तथा कैथोड वाली भुजा हाइड्रोजन का एकत्रीकरण करती है। होने वाली अभिक्रिया निम्न है। H2SO4 का वियोजन। H2SO4 देता है 2H+ + SO4 2-। H2O का वियोजन। H2O देता है H+ + OH-। कैथोड पर अभिक्रिया। H++ इलेक्ट्रॉन देता है H। H+H देता है H2। एनोड पर अभिक्रिया। OH- देता है OH+ इलेक्ट्रॉन। 4OH देता है H2O + O2। संपूर्ण अभिक्रिया। 2H2O देता है 2H2 + O2। एनोड पर SO42- आयनों की वीर्यता में OH- आयन मुक्त किए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्वरित गति से त्याग करना SO42- आयन की अपेक्षा OH- आयन के लिए अधिक आसान होता है। चूंकि सल्फ्यूरिक अम्ल इस होने वाली रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता, इसलिए इसे अभिक्रिया का उत्प्रेरक कहा जा सकता है। डाइहाइड्रोजन का व्यापारिक उत्पादन। डाइहाइड्रोजन को लाल तप्त कोक के साथ वाष्प की क्रिया द्वारा भी तैयार किया जा सकता है, जैसा कि नीचे वर्णित है। बनने वाली वाटर गैस संश्लेषित गैस सिंग गैस भी कहलाती है। तब वाटर गैस वाष्प में मिश्रित हो जाती है और तप्त Fe2O3 तथा Cr2O3 पर 770 केल्विन तापमान पर प्रवाहित की जाती है। तब CO2 में ऑक्सीकृत हो जाती है। तब CO2 और H2 का गैसीय मिश्रण दाब के अंतर्गत ठंडे जल में बुलबुले बनाता है, जहां CO2 घुल जाती है और डाइहाइड्रोजन गैस बचती है, जो बाहर निकल जाती है। यह अभिक्रिया अंगार गैस स्रिति अभिक्रिया भी कहलाती है। डाइहाइड्रोजन के गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म। यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होती है। यह वायु से हल्की होती है और जल में अविलय होने के कारण जल के अधोमुखी विस्थापन द्वारा एकत्र कर ली जाती है। यह उच्च दहनशील होती है। यह सभी तत्वों से हल्की होती है। डाइहाइड्रोजन के रासायनिक गुणधर्म। हेलोजनों से अभिक्रिया। हेलोजनों की हाइड्रोजन से अभिक्रियाशीलता निम्न है। हाइड्रोजन हेलोजन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन हेलाइड्स बनाती हैं। डाइऑक्सीजन से अभिक्रिया। हाइड्रोजन डाइऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल प्रदान करती है। डाइहाइड्रोजन के रासायनिक गुणधर्म। डाइनाइट्रोजन से अभिक्रिया। हाइड्रोजन डाइनाइट्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया प्रदान करती है।
धातुओं से अभिक्रिया। हाइड्रोजन धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती है, जहां M एक क्षार धातु है। उदाहरण के लिए डाइहाइड्रोजन के रासायनिक गुणधर्म। धात्विक आयनों तथा धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया। हाइड्रोजन धातु आयनों तथा धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके संगत धातुएं प्रदान करता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक यौगिकों से अभिक्रिया। जब हाइड्रोजन को लगभग 473 केल्विन तापमान पर उत्प्रेरक के रूप में पूर्णतः विभाजित निकेल की उपस्थिति में खाद्य तेलों पर प्रवाहित किया जाता है, तो वे कठोर हो जाते हैं तथा खाद्य वसाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। डाइहाइड्रोजन के उपयोग। इसे अमोनिया के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को हीटर पर से प्रवाहित किया जाता है, जहां वे एक निश्चित तापमान तक गर्म हो जाते हैं, जिसके बाद वे संपीड़ित किए जाते हैं और तब रिएक्टर में प्रवाहित किए जाते हैं, जहां अभिक्रिया होती है। तत्पश्चात मिश्रण को अपशिष्ट हीट बॉयलर में भेज दिया जाता है, जहां अमोनिया ठंडी होती तथा संचित की जाती है, जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिसाइकल कर दिया जाता है। इसे वनस्पति घी के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष अनुसंधान में इसे रॉकेट ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इसे ईंधन सेलों में उपयोग किया जाता है। हाइड्राइड। हाइड्रोजन उत्कृष्ट गैसों के सिवाय आवर्त सारणी के अन्य लगभग सभी तत्वों के साथ संयोग करके द्विअंगी यौगिक बनाती है, जो हाइड्राइड कहलाते हैं। हाइड्राइडों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। आयनी या लवणीय हाइड्राइड। आयनी हाइड्राइड हाइड्रोजन और सर्वाधिक सक्रिय धातुओं के बीच बनते हैं, विशेषकर समूह एक और दो तत्वों के क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुओं के साथ। इस समूह में हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन के रूप में कार्य करती है। वे अधिक धन विद्युती धात्विक परमाणुओं के साथ आबंधित होते हैं। पिघले हुए अल्कली हैलाइड में लवणीय हाइड्राइड के विलयन का विद्युत अपघटन निर्मित करता है, एनोड पर H2। अभिक्रिया निम्नवत व्यक्त है। क्षार धातु हाइड्राइड कार्बनिक यौगिकों से जल अंश हटाने के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। सहसंयोजक या आणविक हाइड्राइड। हाइड्रोजन पी ब्लॉक के तत्वों के साथ आणविक यौगिक बनाती है। ऐसे हाइड्राइडों के सामान्य उदाहरण CH4, NH3, H2O, HF इत्यादि हैं। इन हाइड्राइडों का स्थायित्व समूह में निम्नता के साथ घटता है। उदाहरण के लिए एक आवर्त में वैद्युत ऋणात्मकता बढ़ने के साथ स्थायित्व बढ़ता है। उदाहरण के लिए सहसंयोजक या आणविक हाइड्राइड। आणविक हाइड्राइडों को निम्नवत वर्गीकृत किया जाता है। इलेक्ट्रॉन समृद्ध आणविक हाइड्राइड। इन हाइड्राइडों में केंद्र के परितः इलेक्ट्रॉनों के एक या अधिक एकाकी युग्म होते हैं, जो अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। उदाहरण के लिए जल में दो एकाकी युग्म होते हैं। इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध आणविक हाइड्राइड। इन हाइड्राइडों में लुईस रचना हेतु इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षित संख्या होती है। मीथेन इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध आणविक हाइड्राइड का एक सामान्य उदाहरण है। इलेक्ट्रॉन न्यून आणविक हाइड्राइड। इन हाइड्राइडों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उससे कम होती है, जितने लुईस रचना के लिए आवश्यक होते हैं। डाइबोरेन ऐसे आणविक हाइड्राइड का एक सामान्य उदाहरण है।
धात्विक या असमीकर्मितीय या अंतराकाशी हाइड्राइड। ये हाइड्राइड सामान्यतः निम्न द्वारा बनते हैं। डी ब्लॉक के समूह 3, 4, 5 की संक्रमण धातुएं, समूह 6 की सीआर धातु, एफ ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के समूह 7, 8, 9 के तत्व हाइड्राइड नहीं बनाते। आवर्त सारणी के समूह 7, 8, 9 की धातुओं की हाइड्राइड बनाने में यह असमर्थता डी ब्लॉक का हाइड्राइड अंतराल कहलाती है। इन यौगिकों में एच परमाणु धात्विक जालकों में अंतराकाशीय स्थितियां ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए SCH2 LaH2.87। क्या आप जानते हैं बोइंग ने नया हाइड्रोजन चालित विमान प्रस्तुत किया है। बोइंग नए विमान को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। बोइंग व अन्य कंपनियों ने ऐसे नए विमान विकसित किए हैं जो वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग करें। विमान के आगामी परीक्षण करने से बोइंग को ईंधन सेल तथा उन अन्य प्रौद्योगिकियों का सर्वोत्तम उपयोग समझने में मदद मिलेगी जो इसने विमान के लिए चुनी हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है जिसकी परमाणविक संख्या 1 होती है। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन सामान्यतः तनु खनिज अम्लों की दानेदार जिंक जैसी धातुओं से अभिक्रिया करते हुए बनाई जाती है। हाइड्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और उच्च दहनशील गैस है। हाइड्रोजन हैलोजन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन हेलाइड्स बनाती है। हाइड्रोजन डाइऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल प्रदान करती है। हाइड्रोजन डाइनाइट्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया प्रदान करती है। हाइड्रोजन धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती है। हाइड्रोजन धातु आयनों तथा धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके संगत धातुएं प्रदान करता है। हाइड्राइडों को आयनी सहसंयोजी तथा धात्विक हाइड्राइडों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।